प्रदेश अध्यक्ष भीकम सिंह भारती का बयान आया है, यूपी में ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं कराकर वॉलेट पेपर से चुनाव हो, ये उनका कहना है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। उन्होंने ऐलान किया कि अगर चुनाव आयोग ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया तो वो सबसे पहले चुनाव में ईवीएम मशीन को तोड़ने का काम करेंगे। पत्रकार बंधु, ये प्रश्न आपने बहुत अच्छा किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सारी राजनीतिक पार्टियाँ यूपी मिशन 2022 में लग चुकी हैं और सारी पार्टियाँ अपनी अपनी जनसभाएं कर रही हैं, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है और पार्टी कुछ पराजित की तरफ चली जाती है, एक जीत की तरफ चली जाती है, तो फिर वहाँ आरोप प्रत्यारोप का जो दौर शुरू होता है कि ये ईवीएम के द्वारा जीती है, ईवीएम मशीन में गड़बड़ी है, तो मैं कहना चाहूँगा उन राजनीतिक पार्टियों से कि उस ईवीएम के मुद्दे को अब क्यों नहीं उठाते, क्यों चुनाव आयोग से मांग नहीं करते कि हमारे यूपी का चुनाव, 2022 का चुनाव बैलेट पेपर से किया जाए। खबर इटावा से है जहां